हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। और आप देख रहे हैं शेयर मोर गेट मोर का एक नया वीडियो। तो गाइस, ये है रक्षाबंधन की सुबह। आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत 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 सारी सारी शुभकामनाएं। और मैं आ गई हूँ किचन में, तो रात में मेहंदी लगाओ और सुबह सुबह जब किचन में घुसो तो कैसा लगता है ना। लेकिन क्या करें, बच्चों का छुट्टी नहीं है, हस्बैंड की तो छुट्टी नहीं होती है और बच्चों की भी छुट्टी नहीं है। तो फिर मैंने बना दिया है टिफ़िन बेटू के लिए, और चाय बन चुकी है और हस्बैंड के लिए भी नाश्ता बन चुका है। फ़िलहाल ये देखिए, मेहंदी के साइड इफ़ेक्ट हैं ये। अगर आपने मेहंदी लगा ली है तो पूरे घर में, पूरे बिस्तर में आपको ये मेहंदी के ग्रेन्यूल्स ज़रूर दिखाई दे जाएंगे। ये पैरों में चिपकेंगे, कोई इरिटेट होगा और ये सब तो लगा ही रहेगा। तो फाइनली मेरा सारा काम हो गया है और मैंने नहा लिया है। अब बस मुझे करना है भगवान की पूजा। पहले तो मैंने ये सोचा था कि ना, अरे आज मैं ये पहनूंगी, आज ऐसे रेडी होंगी, आज इस तरीके से मनाऊंगी। लेकिन जब पता है कि किसी को राखी बांधनी ही नहीं है, तो फिर वो एक्साइटमेंट पता नहीं क्यों कहाँ गायब हो जाता है। राखी की तैयारियाँ तो पहले से ही शुरू हो जाती हैं। तो मैं यहाँ पर पास में ही पड़ता है विशाल मेगा मार्ट, मैं वहाँ गई तो थी राखियाँ लेने के लिए, लेकिन लेके आ गई हूँ बहुत सारा सामान। कुछ यहाँ पड़ा है, कुछ टेबल पे रखा है, कुछ बेड पे रखा है, और राखियाँ ले आई हूँ, जिसमें मतलब मेरे भगवान जी की राखियाँ हैं इसमें, और बच्चों ने जितनी जितनी मंगाई थी उतनी राखियाँ हैं। हाय लादू, उठ जाओ, अब तो राखी बांधने का टाइम आ गया है। रात में थोड़ी बांधने हैं, अभी टाइम हो गया है। चलो जाओ नहा के आ जाओ, रेडी हो जाओ। क्लिप पहननी है तो आ जाओ, पहले आप रेडी नहा के तो आ जाओ, फिर निकालते हैं कपड़े। आप अब तब तक निकाल लो, मैं नहा के आती हूं। ठीक है, ठीक है। लाडू की तबीयत है ख़राब, उसको रोज़ रात में फीवर आ जाता है और बहुत ज़्यादा सर्दी हो रखी है। यहाँ मौसम अभी ऐसा ही है कि कभी गर्मी हो रही है और अचानक से बारिश हो रही है। तो सभी को बारिश की वजह से या गर्मी और बारिश की वजह से ज़ुकाम वगैरह हो ही जा रहा है। तो बेटू को भी था, अभी बेटू को थोड़ा सा हल्का हुआ है, लेकिन स्कूल तो जाना ही था। और लेकिन लाडू को रात में बुखार हो गया था, तो फिर उसको नहीं जाने दिया आज स्कूल। राखी वाले दिन भी यहाँ छुट्टी नहीं होती, यहाँ स्कूल ही रहता है। और आज है रक्षाबंधन तो है ही, साथ ही आज सावन का आखिरी सोमवार, वो भी पूर्णिमा वाले दिन। तो बस आज की पूजा में थोड़ा सा स्पेशल हो जाता है, आज रुद्राभिषेक होएगा और थोड़ी सी पूजा थोड़ी लंबी हो जाती है। तो बस अब यहाँ पर मैं तैयारी करने लग गई हूँ पूजा पाठ की। ये जो ड्रेस देख रहे हैं आप कान्हा जी की, ये एक्चुअली ना मुझे, मैं नई नई लाई हूँ, ये लास्ट ईयर की ही है। और ये शायद मैंने या तो बच्चों के बर्थडे पे ख़रीदी होगी, क्यों तो ये तब की ही रखी है, मतलब एक बार ही पहनाई थी। क्योंकि यहाँ पर मैं बच्चों के लिए भी रक्षाबंधन के लिए ड्रेस लेने गई थी और कान्हा जी के लिए भी। या तो नई जगह है तो मुझे कहीं पर भी कुछ समझ में नहीं आया, और कान्हा जी के ड्रेस के लिए तो कोई शॉप मुझे मिली नहीं, और बच्चों के लिए भी मेरे को कोई ड्रेस ऐसा पसंद आया नहीं जो मैं उनको रक्षाबंधन के लिए स्पेशल ला सकूँ। तो बस जो रखा था अभी उसी में फ़िलहाल काम चलाते हैं। और फिर वैसे भी ये एक बार की पहनी हुई ड्रेस पुरानी तो नहीं होती है, लेकिन भाई आज रक्षाबंधन है इसीलिए उनके लिए थोड़ी सी स्पेशल ड्रेस पहनाई है। तो ये कितनी सुंदर ड्रेस लग रही थी ना, एकदम येलो कलर की है और बहुत सारा इसमें ग्लिटर जैसा है, बहुत ही प्यारी ड्रेस है। तो मेरे कान्हा जी इतने छोटे हैं ना कि उनको तैयार करके बिठा दो तो वो समझ में ही नहीं आते ये यहाँ पर बैठे हुए हैं, बहुत छोटे हैं। ड्रेस पहना दिया है, अभी मैं उनको हाथ में ही लेके सारा रेडी करूँगी। अभी दिखाती हूँ कि कैसे लग रहे हैं, बहुत ही सुंदर लग रहे थे, बहुत अच्छे लग रहे थे।
क्योंकि लाडो अभी गई है रहाने, और बस हम मुहूर्त आजकल ये नहीं होता ना कि सुबह का मुहूर्त है तो जल्दी जल्दी सारा सुबह करो, अभी दोपहर के बाद का मुहूर्त है तो तब तक बेटू भी स्कूल से आ जाएगी। और ये देखिए स्पेशल भोग, अब मैं कुछ भी बना नहीं पाई क्योंकि मेरे यहाँ सबकी तबीयत ऑलमोस्ट ख़राब चल रही है, बुखार ज़ुकाम सबको चल रहा है, तो कुछ बॉडी में बहुत दर्द है तो बस इसीलिए मिठाइयाँ मंगा ली थी, कुछ भी ज़्यादा स्पेशल नहीं बनाया। हाँ खीर बनाऊँगी जिसका भोग मैं उनको लगाऊँगी। बच्चे आएंगे पहले वो मंदिर में राखी बांधेंगे कान्हा जी को गणेशा जी को, और उसके बाद ही फिर वो आपस में या अपने पापा को राखी बांधेंगे। और उसके बाद मैं आ गई हूँ यहाँ किचन में, तो फ़िलहाल मैं यहाँ पे दूध गर्म करने रख दूँगी क्योंकि पता नहीं कैसे तो अभी ना लेट हो ही गया। पहले मेरा मूड था कि मैं चावल की खीर बनाऊँगी लेकिन अब मैं सेवई की खीर बनाऊँगी, तो पर वो भी अच्छी बनती है, बस हाँ थोड़ा जल्दी बन जाती है, इसीलिए जब भी लेट होता है और खीर बनाने का प्लान होता है तो फिर मुझे सेवई ही बनाना पसंद है। लाडो हमेशा कंफर्टेबल ड्रेस पहनती है, हमेशा आपने उसको टी शर्ट और शॉर्ट्स में ही देखा होगा, लेकिन मैंने उसको बोला कि आज रक्षाबंधन है थोड़ा सा स्टाइलिश ड्रेस पहन ले, तो ये जो उसने फ्रॉक पहना है ये एक्चुअली बेटू का फ्रॉक है और वो उसको छोटा हो गया था तो मैंने बड़े संभाल के रखा था, ये फ़िलहाल तो लाडो के काम आया है, उसको पहनाया है तो ये उसको फिट भी हो गया है, लेकिन ये बहुत पतली है तो पीछे से थोड़ा अजीब लग रहा है। लेकिन वो कहते हैं ना, मैं जैसे इतने दिन से सोच रही थी अरे रक्षाबंधन पे साड़ी पहनूंगी या सूट पहनूंगी या गाउन पहनूंगी ऐसे वैसे, तो वो इतने दिन का एक्साइटमेंट कब आते आते ठंडा हो जाता है। एक तो अकेले अकेले कोई फेस्टिवल समझ में नहीं आता, तो फिर अभी मुझे ये लग रहा है कि हाँ कम से कम लाडो रेडी हो जाए, मैं उसको अच्छे से रेडी करूँ। वो कहते हैं ना हम अपने जो शौक़ पूरे नहीं कर पाते वो हम बच्चों में शौक़ पूरे करते हैं, तो बस उसके लिए मैंने उसे बहुत मना लिया है। फ्रॉक पहनने को तो वो रेडी है पर वो ज़्यादा देर तक ऐसे कपड़ों में कंफर्टेबल नहीं रहती, वो ज़रूर थोड़ी देर बाद नखरे करेगी ही करेगी। शोल्डर पे ये जो स्ट्रैप्स हैं वो उसे इतने लूज़ हो रहे हैं कि वो आजू बाजू खिसक रहे थे, बोल रही मम्मा प्लीज़ यार ये कैसा हो रहा है, तो फिर मैं ना पीछे थोड़ा सा सेफ्टी पिन से उसको सिक्योर कर दे रही हूँ जिससे वो लूज़ ना हो, और अगर राखी बांधने में थोड़े और लेट हुई ना तो वो ज़रूर से कपड़े चेंज कर ही लेगी, ये मुझे पता है। उसको थोड़ी देर पहनने की ना फ्रॉक्स वगैरह पहनेगी ज़रूर, लेकिन वो पूरे दिन उसी में उलझी रहेगी और फिर उसके बाद अब मैं इसे चेंज कर दूँ, अब मैं इसे चेंज कर दूँ, अब मैं इसे चेंज कर दूँ, बस यही लगा रहेगा। चाहे फिर वो इतनी फैंसी ड्रेस ना हो, अच्छी कंफर्टेबल ड्रेस हो, कंफर्टेबल फ्रॉक हो, लेकिन फिर भी उसकी यही आदत है। त्यौहार है और पकवान ना बने ऐसा तो हो नहीं सकता, इंडियन घरों में ऐसा तो कभी भी नहीं हो सकता, पर हाँ आप ये कर सकते हो कि कम और ज़्यादा बना सकते हो, कुछ लोग ज़्यादा वैरायटी बना लेते हैं कुछ लोग कम वैरायटी बनाते हैं, बस इतना ही फर्क है। तो मैं आज बहुत ही ज़्यादा कम वैरायटी बना रही हूँ। आलू उबल गए हैं, दूध अच्छे से बॉयल हो गया है और उस आलूओं को मैंने ठंडा करने लग दिया है, और यहाँ पर मैं बना रही हूँ सेवई की खीर जैसा कि मैंने पहले आपको बताया। तो सेवई को मैं थोड़ा सा ना हल्के से घी में बस फ्राई कर लूँगी, तो उससे ना इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा उभर के आता है और बहुत अच्छा टेस्ट लगता है। आप कभी ऐसे ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छा स्वाद आएगा इसका। लगभग एक चम्मच के हिसाब से मैंने इसमें घी डाल दिया है, और वो आपको चार पांच बार इसलिए डालते हुए दिखा क्योंकि वो छोटा वाला जिसे हम दिया में घी डालते हैं ना वो वाला स्पून था, इसलिए वो मेरे को थोड़ा थोड़ा करके ज़्यादा बार डालना पड़ा। और पर सब इसको चला लीजिए, जैसे ही ये हल्का सा इसका बस कलर चेंज हो जाए बस उतना ही फ्राई करना है। दूध भी यहाँ पे गर्म हो गया है, सेवई भी फ्राई हो गई हैं, तो यहाँ पे बस मैंने थोड़ी सी 3-4 इलायची डाल दी हैं अच्छे से खोल के और कूट के, आप चाहें तो उसको अच्छे इलायची पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। और बस अब इसी उबलते हुए दूध में मैं थोड़ा सा ना दालचीनी का टुकड़ा भी डालना पसंद करती हूँ, उसका अच्छा बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, गरम गरम में ना आए लेकिन अगर थोड़ी देर बाद एक दो घंटे रखी रहे तो उसके बाद बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो दालचीनी के एक दो टुकड़े डाल दूँगी, और जो भी फ्राई की हुई सेवई रखी है बस उसको डाल के उबलने के लिए फिर से छोड़ दूँगी।
बस थोड़ी सी देर में खीर बन के रेडी हो जाएगी। यहाँ पर मैंने जो आलू बॉईल किए थे उनको छील लिया है और आटा छान लिया है, और उसके ऊपर ही आलू को अच्छे से टुकड़े टुकड़े करके रख लिया, क्योंकि अभी ये बहुत गर्म ही है। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि पहले थोड़ा सा मैशर से इसको मैश कर लूँ, जिससे थोड़े ठंडे हो जाए, हाथ ना जले, नहीं तो ये हाथ से ही बहुत अच्छे से मिक्स होंगे, मैशर से इतना अच्छे से मिक्स होंगे नहीं। जैसे ही आलू थोड़े से ठीक हुए, हाथ से मसलने लायक हुए, तो उसके बाद मैंने उसको आटे को और आलू को हाथ से बहुत अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब आपको जो भी पसंद हो इसमें अपने अपने हिसाब के मसाले इसमें मिक्स कर लें। तो मैं यहाँ पर डाल रही हूँ थोड़ा सा जीरा पाउडर, ये पैकेट वाला जीरा पाउडर है, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा अजवाइन, मतलब आपके पास जो भी मसाले हों और जो आपको पसंद हो, थोड़ी हल्दी, थोड़ा अमचूर पाउडर, यानी जो भी मसाले आपकी किचन में हो, अगर आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो सब कुछ डाल दें। और यहाँ पे मैंने डाली है थोड़ी सी कसूरी मेथी। तो आपको मतलब बेसिकली जो भी मसाले पसंद हो वो आप डालिए, और सबसे ज़रूरी चीज़ है नमक, उसको डालना बिल्कुल ना भूलें। तो क्योंकि आलू पहले गर्म थे इसलिए मैंने पहले नमक नहीं डाला, अब आलू थोड़े से ठीक हो गए, नहीं तो आटा एकदम गीला हो जाएगा अगर गर्म आलू में नमक डाल देंगे। तो अभी ठीक हो गया, इसलिए मैंने थोड़ा सा तेल भी डाल दिया है और नमक भी डाल दिया था। टाइम बेशक लगे लेकिन आटा बहुत ही टाइट गूंदे, क्योंकि धीरे धीरे ये आटा अपने आप लूज़ होता जाता है, तो मुझे टाइम लगा, इसीलिए मैं बोल रही हूँ अगर टाइम लगे भी तो भी थोड़ा सा पेशेंस रखें और आटा एकदम सा टाइट ही गूंदें। तो बस अब यहाँ पर खीर बन चुकी है और पूड़ी की तैयारी ऑलरेडी हो चुकी है। तो मैंने एक आयरन की कढ़ाई जो अभी ली थी आपके साथ शेयर की थी, वो कढ़ाई मैंने केवल पूड़ियाँ तलने के लिए ही रखी है, क्योंकि अगर स्टील की कढ़ाई में या जर्मन की कढ़ाई में ज़्यादा टाइम तक फ्राई फ्रूई करो तो फिर बर्तन जल्दी ख़राब हो जाते हैं, जले जले से दिखने लगते हैं, वो साफ़ नहीं होते हैं। बस छोटे छोटे पेड़े काट के मैंने इकट्ठे रख लिए हैं, क्योंकि बच्चे भी अब आ गए हैं, बेटू अभी एक बार रेडी होएगी या पहले खाना खाएगी, स्कूल से आई है तो वो भूखी है, तो मैंने बोला अभी तो मुहूर्त होने में थोड़ा सा टाइम है, तब तक तुम थोड़ा खाना खा लो, उसके बाद ही फिर राखी का प्रोग्राम चालू करो। बस खाना रेडी हो गया है, भगवान को भोग लग चुका है और अब बस बच्चे खाना खाने जा रहे हैं। तो कितनी फटाफट से ये फेस्टिवल था, थोड़ी देर पहले तो इतनी तैयार थी और जब राखी बांधने की बारी आई तब इसने कपड़े चेंज कर लिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वो था। चलो पहले टीका लगाओ कान्हा जी को। राइट हैंड की रिंग फिंगर से रिंग, हाँ इसे टीका लगाओ। पहले गणेशा जी को बांधो, बांधू पहले? पहले गणेशा जी को टीका लगाओ, इन वाले को। यस, थोड़े से चावल लगाओ। चावल ये है चावल। शाबाश, अब इनको राखी बांधो। उठो, ऐ शाबाश, अब चावल लगाओ। अब उठ के राखी बांधो। ये है राखी। अब ये है इनकी राखी। कान्हा जी गुस्सा मत होना। कान्हा जी गुस्सा मत होना, लाडो ने देर कर दी राखी बांधने के लिए। हाँ, क्योंकि टाइम नहीं था। अच्छा, अब ये जो मिठाई रखी है ये गणेश जी और कान्हा जी दोनों को खिला दो। ये थोड़ी सी और गणेश जी। लाडो के अब फिर से कपड़े चेंज हो गए हैं, क्योंकि उसको बहुत बोला बेटा कम से कम आज फेस्टिवल है थोड़ी देर पहने ले। इन्होंने बोला अच्छा लाडो मेरे लिए नहीं पहनोगे, अच्छा लाडो मेरे को नहीं दिखाओगे आपका ड्रेस,
तब जाके बड़ी मुश्किल से पहना है, और अब हो रही है राखी की रस्में, टीका लग गया है, राखी बंध रही है, और बस बेटू भी वेटिंग में है। उल्टा होता है ना, पहले बड़ी बहन बांधती है फिर छोटी बहन बांधती है, लेकिन हमारे यहाँ उल्टा हो रहा है, पहले लाडो बांध रही है, अब बेटू उसकी हेल्प के लिए आई है, फिर बेटू बांधेगी। राखी बांधते बांधते यहाँ पर अभी गिफ्ट की डिमांड चल रही है, तो जब हम लोग अभी राखियाँ लेने गए थे तभी लाडो के लिए मैं क्लिप्स लाई थी, तो उसने ना उन क्लिप्स को ही अपना गिफ्ट मान लिया था, और बोल रही है कि आपने तो मुझे गिफ्ट दिया ही नहीं, ये तो पुराना हो गया, इसको तो मैंने पहले पहन लिया है। और इन दोनों के लिए बॉटल्स लाए थे, तो बस वो बॉटल भी बोल रही है, अरे ये बॉटल आपने क्या दे दी, हमने तो इसको इस्तेमाल कर लिया, ये पुराना हो गया है, तो अब हमें नया गिफ्ट चाहिए। तो बस राखी हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, इन्होंने उठा के बस यही बॉटल्स फिर से दे दिए, तो यही गिफ्ट हो गया। हमारे सामने वाले घर में जो दीदी रहती हैं उनका बेटा भी आया है राखी बंधवाने के लिए, तो बस जब तक इनकी राखी बंध रही थी वो वेट कर रहा था, और बेटू और लाडो अब फिर से अपने अपने मतलब सेशन में चालू हो गए हैं कि ये हम पहले मैं राखी बांधूंगी, पहले वो राखी बांधेगा, और इनको चावल छिड़कने नहीं आ रहे हैं दोनों को ही, तो बस दोनों लगी हुई हैं राखियाँ बांधने। अब इन दोनों की आपस में राखी बांधने का टाइम है, और ये एक दूसरे को राखियाँ बांधेंगी और बड़ी बड़ी डिमांड करेंगी। अब राखी वो तो यहाँ पर थोड़ा सा खेलने वेलने में ज़्यादा बिजी रहे, नहीं तो एक दूसरे के लिए पहले ही गिफ्ट ला के रख लेते हैं, छिपा छिपा के रख लेते हैं, और अभी फ़िलहाल किसी को याद नहीं है। यहाँ पर ना टेबल डीलिंग चालू हो गई है कि भाई मतलब ये पैसे तुम रख लो, फिर जब मैं तुम्हें बांधूंगी तब तो मुझे वापस कर देना, तो मेरे पैसे मेरे पास वापस आ जाएंगे। ये तो था सुबह का मुहूर्त, लेकिन अभी शाम के मुहूर्त के लिए भी एक जगह जाना था, वो हमारे गांव के ही हैं। ये लेफ्टी है ना, इसलिए इसको याद दिलाना पड़ता है। अब कल इस दिया से चावल कर दिया। हाँ, ऐसे आराम से करना पिटू, उधर अब राखी बांध दो। पूरा हाँ ये रखा है ठीक है, राइट हैंड से गीला कर लो। हाँ
ये वाले फिगर, ये वाला फिगर, हाँ शाबाश शाबाश। तुम उसकी हेल्प करा दो। नाम नाम क्या है इसका बड़ी वाली का? हाँ आप चावल जैसे आप याद है ना आपको, हाँ ऐसे ऊपर थोड़ा सा ऐसे। अब आप थाली उठा लो, थाली उठा लो, लो ऐसे करो पकड़ो, ऐसे ऐसे। अब ये राखी बांध दो, राखी बांध दो। इधर देख, हाँ भाई भाई फिंगर लगा के, फिंगर माथे पे लगा, उसमें राइट में वो क्या पता लंगूरा खाने में हमने बहुत खाए। बच्चों को अपन साथ में रखते हैं, बच्चे को पता नहीं चला था भी चीजें क्या क्या होता है। बेटा थाली उठवा, थाली थाली। ये काम तो हमारा था कि बस बंजरिया बांटना। अरे गजब, ठीक है बंजरिया होगा तो बड़ा बहुत। इन्हें यही नहीं पता होगा बंजरिया क्या होता है। अब राखी बांध दो, तो गाइज़ ये था राखी का व्लॉग। और आप सबको कैसा लगा? ये दिन तो है बच्चों का दिन ही है, फेस्टिवल आजकल बच्चों के ही रह गए हैं। तो अगर आप लोगों को ज़रा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, और अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।